न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास, बढ़ते अपने खबरों की। हाल ही में पूर्व सचिव जितेंद्र नारायण पर एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया था। मैं एक 21 वर्ष की गरीब लड़की हूँ। मेरे साथ श्री जितेंद्र नारायण पिछले चीफ सेक्रेटरी और श्री ऋषि लेबर कमीशनर नौकरी देने की लालच देकर मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मैं इसकी शिकायत 21 अगस्त को दर्ज कराई। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक मेरी FIR की कॉपी नहीं दी गई। जो भी भाई बहन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। दुष्कर्म करने वाले लोग बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली है। जय हिंद। उन्होंने अपने पक्ष में एक प्रेस नोटिस दिया। आइए चलिए उन्होंने क्या कहा सुनते हैं। मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में लगभग 32 वर्ष पूरे कर लिए हैं और मैंने भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पदों पर कार्य किया है। यह मेरा अनुभव रहा है कि जब कोई लोग प्रशासन में उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निडरता से निपटने के लिए सुधारात्मक कदम या अभिनव कार्रवाई करने की कोशिश करता है, तो अक्सर उसे विभिन्न क्षेत्रों से धमकी, झूठे आरोपों और अनुसूचित शिकायतों का सामना करना पड़ता है, जो खुद को खतरा महसूस करते हैं। इतने वर्ष की सेवा में मुझे उन लोगों से मेरे हिस्से की बदनामी हुई है, जो मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करना, अपमानित करना और शर्मिंदा करना चाहते हैं। यह हमेशा से मेरा काम रहा है कि मैं अपने काम को जारी रखूं और परिणामों के हिस्से के रूप में इस तरह की बदनामी को नज़रअंदाज करना मेरे पेशे की ज़रूरत है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से दिल्ली सरकार को मेरा हाल ही में स्थानांतरण के बाद मैं द्वीप में कुछ लोगों द्वारा मुझ पर लगाए जा रहे विभिन्न प्रकार के आरोपों के बारे में सुन रहा हूँ। ऐसे प्रत्येक मामले में उन झूठी कहानियों को उन लोगों द्वारा गढ़ा गया है जिन्होंने महसूस किया कि मेरे प्रशासनिक निर्णयों और कार्यों से उन्हें आर्थिक, व्यावसायिक रूप से या गलती करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी, उन्हें नुकसान पहुंचा है। मुझे अभी तक इस मामले के बारे में कोई अधिकारी सूचना या कानूनी नोटिस या जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस मामले में पोर्टब्लेयर में प्रशासन और पुलिस द्वारा किया आधिकारिक कार्रवाई की जा रही है। इस समय से पहले पोर्टब्लेयर में मेरे खिलाफ चल रहे कुछ चौंकाने वाले आरोपों के कारण और कुछ सामग्री के रिकॉर्ड पर रखने के लिए मुझे लगता है कि मेरे लिए सार्वजनिक बयान देना आवश्यक है। पहला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव के रूप में अपने कार्यालय के दौरान मैंने मुख्य सतर्कता अधिकारी की हैसियत से प्रशासन के कई अपमानजनक अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। इनमें से कुछ मामलों में संबंधित अधिकारी स्पष्ट रूप से कुछ गलत कामों में पकड़े जाने और कानून के तहत कार्रवाई किए जाने से परेशान थे। दूसरा, इनमें से कुछ कार्रवाई में अधिकारियों ने अवैध रूप से परिणाम को प्रभावित करने का प्रयास किया था और इस पर दृढ़ता से मोहर लगा दी गई थी। हालांकि अप्रत्यक्ष खतरे और निर्णयों को प्रभावित करने के प्रयास जारी है। तीसरा, ऐसे अधिकारी मुझसे कई मौकों पर संपर्क करते हैं और जब मैंने इस तरह के प्रयासों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो आगे और प्रयास होने लगे। उन अधिकारियों की प्रतिशोध मुझे उनके समर्थकों और उनसे जुड़े हुए लोगों के माध्यम से झेलनी पड़ी। चौथा, मैंने द्वीपों से संबंधित विभिन्न संवेदनशील मामलों पर प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय भी लिए हैं, जो दुर्भाग्य से कुछ शक्तिशाली व्यवसायिक हितों या प्रशासन में उन लोगों की सुविधा के अनुकूल नहीं थे जिन्होंने उनका समर्थन किया और उनकी अवैध गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। पांचवा, पिछले कुछ दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सोशल मीडिया और स्थानीय प्रेस पर विभिन्न पोस्ट के साथ अफवाहें फैल रही है कि मेरे खिलाफ पोर्टब्लेयर में एक अज्ञात महिला द्वारा पुलिस अधिकारियों को कुछ शिकायत की गई है, जिसकी जाँच और पूछताछ अब भी चल रही है। छठा,
मैं उन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जिनके बारे में मेरे पास कोई विवरण नहीं है। वे न केवल झूठे और असत्य हैं, बल्कि यह जानबूझकर बनाए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरी प्रतिष्ठा, गरिमा और करियर को नुकसान पहुंचा सके और मेरे परिवार को मानसिक पीड़ा पहुंचा सके। सातवां, कहने की जरूरत नहीं है कि ये फर्जी आरोप मुख्य सचिव के रूप में मेरे काम के प्रतिशोध में उन प्रेरित व्यक्तियों द्वारा की जा रही है जिनके बारे में मैंने ऊपर कहा है। इस स्तर पर मैं नाम और विवरण का खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन सामग्री रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसे उचित समझे जाने पर मंचों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आठवां, मैं खुद को यह कहने तक सीमित रहूंगा, आरोपों का पूरा सेट झूठे, दुर्भावनापूर्ण और प्रतिशोधी है, जैसे कि ऊपर वर्णित कुछ व्यक्तियों के इशारे पर जिन्होंने मुझे बदनाम करने और मुझे पीड़ित करने का प्रयास करने के लिए एक साजिश में प्रवेश किया है, झूठा मामला और मेरी गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए। नवा, यह वह कीमत है जो मैं अपने काम और ANI प्रशासन के विभिन्न विभागों में सुधार लाने के प्रयासों के कारण चुका रहा हूँ। द्वीपों में यह सर्वविदित और प्रलेखित है कि मैंने अपने आधिकारिक कार्यों को भय और पक्षपात से मुक्त करने के कारण प्रशासन और निजी हलकों में विभिन्न व्यक्तियों के क्रोध और शत्रुता को झेला है। दसवां, मुझे अतीत में भी विभिन्न मानहानि के आरोप प्राप्त हुए हैं जो प्रसिद्ध है और रिकॉर्ड के मामले हैं। केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों के सामने मुझे बदनाम करने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक घटना भी शामिल है, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री, भारत संघ के एक पद और हस्ताक्षर जारी थे, जिसमें मेरे खिलाफ विभिन्न अपमानजनक आरोप थे। इस मामले में मंत्री जी के निर्देश पर मुझे बदनाम करने और मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने के लिए जालसाजी का पता लगाने के लिए आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है। मैं यह बयान इस स्तर पर केवल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अज्ञात व्यक्तियों के इशारे पर एक अपमानजनक और प्रतिशोधी अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें मेरे द्वारा वर्णित व्यक्ति भी शामिल है। उनके कथित पूर्वग्रह के प्रतिशोध में मेरे प्रशासनिक निर्णयों और बिना किसी भय या पक्षपात किए गए कार्यों के कारण सामना करना पड़ा। कहने की जरूरत नहीं है कि जब भी इस मामले में कोई आधिकारिक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी, मैं कानून की प्रक्रिया के अनुसार मामले की सच्चाई तक पहुंचने में अधिकारियों और पुलिस के साथ पूरा सहयोग करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाऊंगा। मेरी मंशा है कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कानूनी प्रतिक्रियाओं का सहारा लूं और मुझे बदनाम करने की साजिश से निपटूं और कुछ प्रतिशोध और प्रतिशोधी व्यक्तियों के इशारे पर मेरी प्रतिष्ठा, गरिमा और करियर को नुकसान पहुंचाऊं। पुनर्वृत्ति की कीमत पर एक नागरिक के रूप में मैं आवश्यक होने पर जांच में पूरी तरह से सहयोग करने और उनके बाद आने वाली न्यायिक कार्यवाही में पूरी तरह से भाग लेने का इरादा रखता हूं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।